हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस जाकर एक्शन मोड में आ गई है। हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना कर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह विशेष चेकिंग अभियान 10 जनवरी तक चलेगा। जबलपुर हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 50 दिनों तक सीट बेल्ट और हेलमेट की चेकिंग की जाए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में दिखा। भोपाल के चौराहे चौराहे पर हेलमेट ना पहनने वालों और कार में सीट बेल्ट का प्रयोग ना करने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। हेलमेट ना पहनने पर ₹300 और सीट बेल्ट ना लगाने वालों पर ₹500 का जुर्माना किया जा रहा है। पुलिस सूबेदार नरेंद्र सिंह ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस आदेश का पालन कर रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन ने हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी तैनात में पुलिस कर्मचारी जो है यहाँ पर तैनात हैं और हेलमेट नहीं पहनने वालों के ऊपर चालानी कार्रवाई की जा रही है, सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर सूबेदार साहब हमारे साथ हैं, सूबेदार नरेंद्र चौधरी जी, आइए उनसे बात करते हैं। सर, अब की तक कितने चालान काट चुके हैं आप? अभी तक तकरीबन 40 से 45 चालान हो चुके हैं हमारे, और इस माननीय न्यायालय के आदेश के मुताबिक हेलमेट और सीट बेल्ट की यहाँ कार्रवाई चल रही है। और जो लोग हेलमेट नहीं पहने हुए हैं, जैसे कि ये भाई खड़े हुए हैं आपके सामने और सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए, गाड़ी भी खड़ी हुई है आपके सामने, अधिकतर लोग पहने भी जा रहे हैं, ऐसा ही नहीं है कि सभी लोग हैं, पर यही प्रयास है हमारा कि सभी लोग पहने। सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों पर कितने की चालानी कार्रवाई की जा रही है? हेलमेट नहीं पहनने वालों पर कितने की चालानी कार्रवाई की जा रही है? टू व्हीलर पे हेलमेट ना पहनने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट में हमारे यहाँ ₹300 का अर्थदंड का प्रावधान है, तो वही जुर्माना इन पे लगाया जा रहा है। और जो सीट बेल्ट नहीं पहने उन पे ₹500 का जुर्माना है, वो उन पे लगाया जा रहा है। कितनी टीम लगी हुई है आज, क्योंकि आज बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं? जी जी जी, क्योंकि देखिए अब 3 लेन 4 लेन रोड है, तो इसमें कर्मचारियों के अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारी 2 टीम वहाँ पर लगभग 5 से 6 का बल उस तरफ लगा हुआ है और 5 से 6 का बल इस तरफ लगा। महिला हेलमेट नहीं पहनने वाली के ऊपर भी आप चालानी कार्रवाई कर रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल हो रही है, महिलाओं पे भी हो रही है, और सभी तरह की कंडीशन देख के उनको समझाइश भी दी जा रही है, अगर कोई इमरजेंसी में है कुछ है तो उन पे भी कार्रवाई हो रही है, उन पे भी प्रावधान है। क्या प्रशासन के किसी अधिकारियों का भी आपने अभी तक कोई चालान काटा है, ऐसा कोई मौका? चूंकि एक आप भी जानती हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि अभियान उसी का हुआ है, तो प्रशासन वालों को बिल्कुल हमने रोक के चेक किया, सब किया है, तो अभी तक तो वो फॉलो करते मिले हैं, लेकिन अगर वो नहीं करते तो उनपे भी चालानी कार्रवाई है। साफ तौर पर देख रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर जो चालानी कार्रवाई की जा रही है, इनका कहना है कि अगर अधिकारी कोई पुलिस या सरकारी कर्मचारी भी होंगे, अगर वो नियम का पालन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती, भोपाल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।